एसीबी जम्मू ने जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक प्रॉपर्टी के मामले में मामला दर्ज किया है। एक बयान में प्रवक्ता ने बताया कि एसीबी ने जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत चंचल सिंह के खिलाफ आय के अज्ञात स्रोत से अधिक प्रॉपर्टी अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। बयान में कहा गया है कि सत्यापन से पता चला कि आरोपी अधिकारी ने पोस्ट पर अपनी तैनाती के दौरान और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के साथ साथ बेनामी प्रॉपर्टीज अर्जित की हैं। इसमें कहा गया कि प्रॉपर्टीज में जम्मू प्रांत के विभिन्न जिलों में रेजिडेंशियल हाउसेज, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली जिले में स्थित दो होटल्स शामिल हैं तथा भारी बैंक बैलेंस और बहुमूल्य प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इसमें कहा गया कि जांच के दौरान अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद आरोपी के रेजिडेंस और ऑफिस के साथ साथ परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के जम्मू प्रांत, श्रीनगर और मनाली के विभिन्न स्थानों पर स्थित रेजिडेंशियल हाउसेज और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तलाशी ली गई। इसमें यह भी कहा गया है कि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कीमती सामान बरामद हुए जिन्हें जब्त कर लिया गया है और जांच के लिए ले जाया गया है। मनाली के होटल्स में की गई तलाशी के दौरान 25 फरवरी 2022 की तारीख वाला एक बिक्री समझौता भी बरामद किया गया है जो वेद प्रकाश निवासी शिमला और चंचल सिंह की पत्नी रेखा देवी के बीच निष्पादित किया गया था, जिसमें चंचल सिंह की पत्नी ने मनाली के कुल्लू जिले के मोहोल और फाटीबुरा कोठी में स्थित कुल 12.3 हेक्टर लगभग 240 केनाल जमीन 2.85 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जिसमें से उन्होंने 25 लाख रुपए चेक के माध्यम से और 25 लाख रुपए नकद दिए थे। बयान के अनुसार कठुआ के हटली में की गई तलाशी के दौरान जमीन के बड़े हिस्से की वसीयत के रूप में बेनामी प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बयान में आगे कहा गया कि विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभी भी जारी है।